सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन ज्ञान बर्नर यूट्यूब चैनल। ये है पोको X2 डिवाइस और काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैं पोको X2 के लिए एक ऐसे कस्टमर में लेके आया हूँ जो कि अब के सिनेरियो के हिसाब से काफ़ी बेटर है। आई मीन टू से कि इसमें आप अच्छी गेमिंग भी कर सकते हो और एक अच्छी बैटरी लाइफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बात करते हैं इस कस्टमर रूम के बारे में, बाकी इसके अलावा एक और कस्टमर रूम है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल हम बात करते हैं इस कस्टमर रूम के बारे में जिसका नाम है पेंग्विनोवस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ सेटिंग के अंदर और चलते हैं अबाउट फोन के सेक्शन में। और लुक एट दिस, कस्टमर रूम का नाम है वो है पेंग्विनोवस और ये एंड्रॉयड 14 पे बेस्ड है। पेंग्विनोवस का वर्जन दिखाऊं तो आप देख सकते हो एंड्रॉयड 14 पे ये अभी रन कर रहा है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेटेस्ट वर्जन है और जल्द ही आपको एंड्रॉयड 15 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट की, तो यहाँ पर आपको 5th अगस्त 2024 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है। उसके जो मेंटेनर है वो है नूटो 242 क्लब। पता नहीं कोई ग्रुप है पर हाँ, काफ़ी अच्छे से इसको जो है उन्होंने मेंटेन कर रखा है। नाउ काफ़ी सारे सोचेंगे इसमें कस्टमाइजेशन क्या है। मेरा मानना है अगर कोई इंसान अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल करता है तो या तो वो अपने फ़ोन को एक नई लाइफ दे रहा है या फिर उसको थोड़ा टेक के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो कस्टमाइजेशन में ज़्यादा बिलीव करता है। बात तो सही है। दैट्स वाई मेरे ख्याल में कोई जो इंसान है वो अपने डिवाइस के अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखो इसके अंदर आपको उतनी देखने को नहीं मिलती, बट जैसे आप सेटिंग के अंदर आते हो और पेंग्विनोवस लेबोरेटरी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब जैसे आप इसमें आओगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के तौर पे देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हैंड अप है, ये और ये सेनर हैंड अप है और ये जितने भी यहाँ पर फीचर्स हैं उतने को काम के नहीं है, ना मैं उसको उतना यूज़ करता, बट ये तो टट्टी है। यहाँ पर एक जो सबसे काम की चीज़ है वो है ये अनलॉक हायर FPS इन गेम्स। अब ये क्या काम करता है, देखो ये क्या काम करता है कि ये स्पूफ कर देगा आपके डिवाइस को और आप गेमिंग के अंदर लाइक यहाँ पर BGMI हो गया उसमें 90 FPS को जो है अनलॉक कर पाओगे, बट उसमें भी एक कैच है, बताता हूँ आगे क्या है क्या नहीं। बाकी एडवांस जो रीबूट है या फिर एडवांस रीस्टार्ट है इसका ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप एडवांस पे जाते हो तो यहाँ पर आपको रीस्टार्ट बूट लोडर रिकवरी सिस्टम ये सब जो फीचर है वो देखने को मिल जाते हैं जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से रिकवरी में जा सकते हो। बाकी इसके अलावा और जो कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पर आपको नॉर्मल देखने को मिल जाती है, लाइक अगर आप जाते हो डिस्प्ले के अंदर तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी, पर उतनी नहीं है। लाइक यहाँ पर आप इसकी विड्थ को है वो चेंज कर सकते हो, आइकन मैनेजर है उनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, बट ध्यान रहे जब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे ना तो उसमें यहाँ पर आपको एक तो ये मोबाइल डाटा इसको ऑन करना पड़ेगा और ये कि ये जो HD कॉलिंग यानी VOLT और VONR इसको आपको जो है वो इनेबल करना पड़ेगा सो दैट कि आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओ। और ये अदर डिस्प्ले कंट्रोल्स के अंदर यहाँ पर आपको जो है वो रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है लाइक 60, 90 और 120 जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी है। बाकी एक और जो चीज़ सबसे ज़रूरी है यहाँ पर आपको बताने वाली वो है जैसे आप इस कस्टम रोम को इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद में यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर आना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको सिम के अंदर जाना है और अपनी सिम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम यानी APN, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको डिलीट हुआ देखने को मिल सकता है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्या होगा कि आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट चलना है वो शुरू हो जाएगा विदाउट, अगर आप मान लो ये सब करते हो तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट ना चले, बाकी कॉलिंग वगैरह हो जाएगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो मुद्दे की बात आती है कि इसमें आपको परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। देखो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको अंततः स्कोर दिखा देता हूँ इसका जो कि है 356,385 और इसका CPU, GPU, MEM और UX स्कोर आप देख सकते हो और मेरे ख्याल में ये जो स्कोर है वो और बेटर हो सकता था, बट पता नहीं क्यों शायद उतनी ऑप्टिमाइजेशन की अभी इसको ज़रूरत और है। दैट्स वाई मेरे को लगता है कि अभी इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की और ज़रूरत है। बाकी अगर मैं कुछ और चीज़ें बताऊँ इसकी तो मैंने यहाँ पर इसका जो थ्रोटल टेस्ट भी किया था तो इसका जो थ्रोटल टेस्ट देखने को मिला है वो है 92%। बट हाँ इसमें एक चीज़ आपको अच्छी देखने को मिल जाती है कि जो पूरा ग्राफ है वो पूरा का पूरा ग्रीन है, कोई यहाँ पर येलो या फिर रेड नहीं देखने को मिल रहा, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस ये फ़ोन है वो डिलीवर करेगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको जो प्ले स्टोर है वो भी सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्ले स्टोर जो है वो डिवाइस इज सर्टिफाइड, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गीकबेंच स्कोर दिखाऊं तो आप देख सकते हो सिंगल कोर के अंदर जो है वो 576 और
मल्टी कोर के अंदर यहाँ पर आपको 1651 देखने को मिल जाता है। ठीक है, पर और इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने की ज़रूरत है इस कस्टम रोम के हिसाब से। बाकी इसके अंदर यहाँ पर आपको गूगल का डायलर देखने मिलता है, यानी कि आप जैसे ही कहीं पे कॉल वगैरह करते हो तो यहाँ पर आपको जो है वो अनाउंस करके बता देगा रिकॉर्डिंग के टाइम कि हाँ आपकी कॉल जो है रिकॉर्डिंग की जा रही है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो जी कैम का सपोर्ट देखने मिलता है, बट इसके अंदर जो जी कैम है वो प्रॉपर जी कैम नहीं है, मतलब फिर भी ठीक है, काम चला हुआ है, बट आप इसके अंदर जो है वो एक्चुअल में अच्छे वाला जी कैम है वो इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी मैंने जितना इसको यूज़ किया यार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड चलता है। अगर मैं यहाँ पर गेमिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हो, अगर मान के चलो आप इसके अंदर गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो ग्राफिक्स के अंदर यहाँ पर आपको 90 FPS का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है स्मूथ के अंदर, बट यहाँ पर अगर आप इसको एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS पे गेमिंग करते हो देन आप फ्लॉलेस यहाँ पर एक्सपीरियंस वो देखने को मिलेगा, यानी कि इतनी अच्छी गेमिंग कर पाओगे विदाउट एनी मतलब मेजर हीटिंग इशू, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप है वो गेमिंग कर सकते हो। तो ये एक यहाँ पर कैच है इसके अंदर, अगर मान के चलो आपको इस फ़ोन के अंदर 90 FPS पे गेमिंग करनी है या फिर आप अच्छी गेमिंग करना चाहते हो, तो अगर आपके पास 90 FPS का ऑप्शन अनलॉक हो जाता है कस्टम रोम के अंदर तो आप 60 पे प्ले करो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बाकी हाँ, ये कस्टम रोम है, कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।